पुरुषोत्तम मास के महीने में, अधिक मास के महीने में, कोकिल अधिक मास में, 18 वर्ष में एक बार आता है, ऐसे कोकिल अधिक मास में, वैसे तो अधिक मास 3 दिन वर्ष में पहुंचता है, कोकिल अधिक मास में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। इसके बाद भी मैं श्रवण नहीं कर पाया, अभी रोना नहीं आएगा, अंतिम समय। कितने माल माल दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे हैं 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 माल में? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए ही क्यों, रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33, 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे, 31 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं, जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं, इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया, सूतक सावड़ जानते हो ना, मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ खा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुआ का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुआ का दान देने से हमारा पूर्वज उतर जाता है।